बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने मध्य प्रदेश दौरे पर खरगोन पहुंचे थे। यहां उन्होंने रोड शो किया और जनसभा को भी संबोधित किया। नड्डा ने अपने संबोधन में कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। नड्डा ने कहा, कमलनाथ ने अपनी सरकार के दौरान बच्चों के पाठ्यक्रम से कारगिल का चैप्टर हटा दिया था, जो कि हमारी सेना का अपमान है, और अब नवंबर में आपको कमलनाथ का चैप्टर ही गायब कर देना है। इधर अपने दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को करारी चोट भी दे दी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो की बहन परमिला साधो को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन मेडिकल कॉलेज खोलने और नव ग्रह कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगती है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, टीएमसी, आरजेडी समेत देश की सभी पार्टियां नेताओं के बच्चों को ही आगे बढ़ाती है। पार्टियां भी परिवार की पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कमलनाथ आपका मकान छीनता है तो दूसरी तरफ शिवराज आपको डबल देता है। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा मिलता है या नहीं, कमलनाथ सरकार ने यह योजना बंद कर दी थी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे विदेश में बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में डाला था। आज जब पीएम मोदी विदेश में जाते हैं तो उनका राष्ट्रीय सम्मान होता है। विदेशी मुल्कों के साथ यह चर्चा होती है कि दोनों देश मिलकर विकास का क्या क्या काम कर सकते हैं। जनसभा में सीएम शिवराज सिंह बोले, यहां की जनता की मांग थी कि मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, नव ग्रह कॉरिडोर की मांग उठी। सीएम बोले कि मुझे खुशी हो रही है कि उसके लिए 21 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सिरवेल महादेव मंदिर का भी कायाकल्प कराया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।